नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के सेक्शन में अर्थशास्त्र पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, इसके पूर्व में कई कक्षाएं जो है एनसीईआरटी के अर्थशास्त्र पर अभी तक आप लोगों के लिए दी जा चुकी हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मुद्रा एंड साख यानी कि करेंसी एंड क्रेडिट पर जो है चर्चा करेंगे। करेंसी एंड क्रेडिट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि उसका इकोनॉमी में क्या रोल है, लोगों के जीवन में उसका जो है क्या रोल है। तो मुद्रा एवं साख का तात्पर्य हो गया कि करेंसी एंड क्रेडिट, करेंसी एंड क्रेडिट। मुद्रा, यहां पर एक चीज और भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि देश की जो भारतीय, अगर परिप्रेक्ष्य में इसको देखने का प्रयास किया जाए, तो यहाँ की जो मुद्रा है वो रुपया है। लेकिन रुपया और मुद्रा दोनों एक नहीं है। भारत में जो प्रचलित मुद्रा का प्रकार है उसे रुपया कहते हैं, और दुनिया में अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्रा होती है। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो रुपया है, इसी तरीके से अन्य देशों में, अमेरिका में जो डॉलर है, और ब्रिटेन में पाउंड है, और एन है, जापान में यूरो है, आपके यूरोपीय कंट्रीज में। तो इस तरीके से अलग अलग देशों और समुदायों में अलग अलग तरीके की करेंसी चलती है, और भारत में जो विशेष प्रकार की करेंसी चलती है उसका नाम है रुपया। तो अब हम यहाँ पे मुद्रा को ये समझने का प्रयास करेंगे कि मुद्रा क्या है। बेसिकली मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, अर्थात मुद्रा एक वह माध्यम है जिसके द्वारा हम व्यवहार में विनिमय को जो है संचालित करते हैं, या विनिमय के कार्य को संपन्न करते हैं। अब इसके अंतर्गत इस बात को समझना आवश्यक है कि जैसे प्राचीन काल में जो है वस्तु विनिमय प्रचलित था, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी वस्तु की आवश्यकता होती थी तो ये जरूरी होता था कि जिससे वस्तु वो प्राप्त कर रहा है उसे ऐसे वस्तु की जरूरत हो जो उस व्यक्ति के पास हो। यानी कि अगर ए और बी दो लोग हैं, अगर ए को जो है गेहूं की आवश्यकता है, ये व्यक्ति जो है बी से लेता है, तो बी को ए से जो है ऐसे वस्तु की आवश्यकता होनी चाहिए और इसके पास होना भी चाहिए जो कि इसे जरूरत की हो। यानी कि ए को जो है बी से गेहूं प्राप्त हो गया, अब बी जो है इससे अगर चावल लेना चाहता है इसके बदले में, तो यहाँ पे चावल उपलब्ध होना चाहिए, तभी एक दूसरे के जो है साथ में विनिमय किया जाता था। तो यहाँ पे ये संयोग का होना बहुत जरूरी होता था, इसे जो है दोहरी आवश्यकता का संयोग जो है कहा गया है कि जो है एक व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता है उसे यदि दूसरे से प्राप्त हो जाता है तो दूसरे को जिस चीज की आवश्यकता हो उसे पहले व्यक्ति के पास होना आवश्यक होता है। तो यह है वस्तु विनिमय की जो समस्या भी जो है होती थी। लेकिन जब मुद्रा का उदय हुआ तो मुद्रा ने इस तरीके की समस्या को जो है दूर कर दिया, और उसने जो है मुद्रा के जो है बदले वस्तुओं का जो विनिमय प्रारंभ कर दिया। व्यक्ति को किसी भी प्रकार की वस्तु की आवश्यकता होती थी तो वह मुद्रा के बदले ले लेता था, और उस मुद्रा से वह किसी अन्य वस्तु को जो है खरीद सकता था। तो इस तरीके से जो है मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के जो विनिमय में जो है मुद्रा को एक मध्यस्थ के रूप में प्रयोग में लाते हैं। और प्राचीन काल में वस्तु विनिमय था, और आधुनिक समय में जो विनिमय का माध्यम है वो मुद्रा पर आधारित है, और मुद्रा के माध्यम से होने के कारण से ये आसान हो गया। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि मुद्रा जो आधुनिक समय में प्रयोग में लाई जा रही है, या उसका जो स्वरूप है मुद्रा का, वह प्राचीन काल से ऐसा नहीं रहा है, बल्कि आधुनिक समय में मुद्रा अपने इस स्थिति में है। पूर्व में इसके अलग अलग रूप रहे हैं, और अलग अलग वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था, मतलब विनिमय के रूप में। जैसे पूर्व में अभी बताया गया कि प्राचीन काल में जो है वस्तु मुद्रा, या जो पशु को जो है भी माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता था। एनसीईआरटी में बाकायदा इस चीज का उल्लेख भी किया हुआ है कि वस्तु और पशुओं को जो है इसके माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता था, और पशुओं के माध्यम से भी जो है अपने आवश्यकता की वस्तुओं को प्राप्त करते थे। बाद में जो है सोने चांदी और तांबे के जो है सिक्के जो है चलाए जाते रहे, ये काफी बाद तक था। मध्यकाल में भी अगर हम देखें तो इस तरीके की बातें निकल करके सामने आती हैं कि वहां पर जो है मुद्रा के रूप में जो है सोना चांदी और तांबे को जो है प्रयोग में लाया जाता था। और आधुनिक समय में जो है वह पेपर करेंसी यानी कि पत्र जो है मुद्रा या सिक्के का जो है प्रचलन आता है।
और यही जो है रूप आज के समय में वर्तमान समय में समाज में प्रचलित है, और यह सबसे जो है आधुनिक और सरल रूप है जिसके द्वारा जो है विनिमय को संचालित करने का काम किया जाता है। एक बात और भी ध्यान में रखना है कि जो पत्र मुद्रा है और सिक्का है, इसका वास्तविक मूल्य नहीं होता है, बल्कि इस पर अंकित मूल्य को ये व्यक्त करता है, और उतने मूल्य के सामान को जो है उतने मूल्य के सामान को खरीदने की क्षमता रखता है, बेचने की क्षमता रखता है। तो कहने का मतलब यह है कि पेपर तो एक पत्र है, पेपर है, और उस पे जो अंकित मूल्य होता है वही उसके जो है मूल्य को व्यक्त करता है। अब उस पर अंकित मूल्य को कोई व्यक्ति क्यों स्वीकार कर ले, क्योंकि भारत में जो केंद्रीय संस्था है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे जारी किया जाता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार की जो केंद्रीय बैंक है और इसके द्वारा जारी किया जाता है, और उसे जो है प्राधिकृत इस तरीके से कार्यों के लिए किया गया है कि वो देश में लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मुद्रा को जो है जारी कर सके, और उस मुद्रा को जो है वैध बनाने के लिए सरकार के द्वारा अधिनियम बकायदा जो बनाया गया है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति व्यवहार में जो है ऐसी मुद्रा को लेने से मना नहीं कर सकता है। तो कुल मिलाकर के आधुनिक समय में जो मुद्रा की व्यवस्था है, पत्र मुद्रा और सिक्का के रूप में करेंसी जो है पेपर करेंसी और जो है मुद्रा या सिक्का के रूप में जो है चल रहा है। तो आधुनिक जो मुद्रा की व्यवस्था है वो पत्र मुद्रा और सिक्का पर आधारित है, और इसे जो है सरकार के तरफ से केंद्रीय बैंक के रूप में RBI के द्वारा जारी किया जाता है, और उस पर उतने मूल्य की प्रतिभूति यानी कि गारंटी प्रदान किया जाता है जितना कि उस पत्र मुद्रा पर अंकित होता है, उस पर बाकायदा लिखा होता है कि हम धारक को इतने रुपए जो इस पर अंकित होता है को अदा करने की गारंटी या प्रतिभूति प्रदान करते हैं, और सरकार के द्वारा ऐसी मुद्रा को वैधता प्रदान किया जाता है जिसको लेने से कोई व्यक्ति संस्था संगठन मना नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से जो है मुद्रा के अर्थ और मुद्रा के जो विकास को इस रूप में हम लोग देख सकते हैं। अब जब मुद्रा आ गया है तो मुद्रा किस रूप में जो है व्यक्ति के पास होता है, और अगर वो ज़्यादा होता है तो फिर क्या वो व्यक्ति के द्वारा मुद्रा कहाँ रखा जाता है, इस बात को भी जो देखना आवश्यक है। व्यक्ति के पास मुद्रा आती कैसे है, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है और उसके पास उस वस्तु को खाने से ज्यादा मात्रा हो जाती तो वह बाजार में बेचता है। पहले क्या था, विनिमय वस्तु के माध्यम से हो जाता था, लेकिन अब वह बेच करके मुद्रा प्राप्त कर लेता है, और उसे जरूरत की अन्य चीजें खरीदनी होती हैं तो उस मुद्रा के बदले वो खरीद लेता है। जैसे मान लीजिए कोई कृषक है, गेहूं और चावल की खेती करता है, तो गेहूं चावल की अतिरिक्त मात्रा जो खाने से बच जाती है उसे बेच करके मुद्रा प्राप्त कर लेता है, और पुनः वो जो मुद्रा प्राप्त करता है उससे वो अपने आवश्यकता की अन्य चीजों को खरीदता है, और पुनः यदि वह मुद्रा बच जाती है तो वह मुद्रा जो है वो बैंक में जमा कर देता है। अब वो बैंक में जमा करता है तो उससे जो है उसकी मुद्रा वहां पर जो है वो सुरक्षित रहती है, मुद्रा जो है वहां पर सुरक्षित रहती है, एक बात, और दूसरी बात उस पर जो है ब्याज प्राप्त होता है, तीसरी बात जो है उसे जो है अन्य सुविधाएं जैसे चेक की सुविधा देता है बैंक, ATM की सुविधा देता है बैंक, वर्तमान समय में ATM की सुविधा दे रहा है जहां पर स्वयं बैंक ना जा करके जो है कुछ निश्चित जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक जो है मशीनें होती हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM जिसको कहा जाता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है जिससे वो धनराशि को आहरित कर लेता है। चेक एक ऐसी सुविधा है जहां पर बैंक लोगों को जो है एक ऐसा पत्र जो है जारी करता है जिसमें वो खाता धारक व्यक्ति जिसने बैंक में अपनी धनराशि को जमा किया हुआ है अपने जमा की धनराशि की सीमा तक जो है किसी अन्य व्यक्ति को चेक जो है जारी कर सकता है। जैसे चेक का एक स्वरूप ये देख लीजिए, और इसमें जो है पेक के सामने जो है नाम लिख दिया जाता है, और वह जो है जिस व्यक्ति का नाम लिखा होगा वह व्यक्ति बैंक में जाएगा तो उस अकाउंट के सापेक्ष जो है उतनी अंकित धनराशि उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा। चेक दो प्रकार के सामान्यतः अगर जो प्रयोग में लास्ट में दो तिरछी लाइनें उसमें अकाउंट पे ही हो जाता है, तो जिस व्यक्ति का नाम लिखा है उस व्यक्ति के नाम के अकाउंट में धनराशि जाएगी, और दूसरा जो है वाहक चेक, बियरर चेक होता है, वाहक वाहन से बना, जैसे वाहन ले जाने वाला
कोई भी गाड़ी है तो उसे वाहन कहा जाता है, और जो ले जाता है वह वाहक होता है, अर्थात जो उस चेक को बैंक में ले जाएगा बैंक उसी को सीधा जो है भुगतान कर देगा, तो वह स्थिति वाहक चेक की जो है होती है। तो ये व्यवस्था जो है बैंक के जो है अंतर्गत जो की जाती है, ब्याज जो है मिलता है, सुरक्षित रहती है, चेक और एटीएम की जो सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो धनराशि व्यक्ति के द्वारा जमा किया जाता है वो कभी भी व्यक्ति की मांग पर उसे प्राप्त हो जाता है, इसीलिए जो है यहाँ पर जो निक्षेप किया जाता है, यहाँ पर एक शब्द जो है डिपॉजिट, डिपॉजिट के लिए जो निक्षेप शब्द का प्रयोग किया गया है, जो धनराशि जो है बैंक में जमा की जाती है उसे निक्षेप कहा जाता है, और चूंकि व्यक्ति के मार्ग पर वह प्राप्त हो जाता है इसलिए इस निक्षेप को जो है वो मार्ग जमा भी कहा जाता है, इसे जो है मार्ग जमा कहा जाता है कि मार्ग पे जो है वो धनराशि प्राप्त हो जाती है। तो ये कुछ स्थितियां होती हैं व्यक्ति के अतिरिक्त धनराशि का बैंक में जो निक्षेप करना और उस पर उसके अलग अलग प्रकार की सुविधाएं जो है मिलना। अब बैंक के द्वारा जो है ऋण की जो है कार्य किस तरीके से किए जाते हैं, अब बैंक में जब जमा कर दिया जाता है धनराशि तो बैंक के द्वारा वो किस प्रकार के कार्यों में उपयोग में लाया जाता है, तो बैंक की जो है ऋण व्यवस्था को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जो व्यक्ति के पास अपने कार्यों के बाद अधिक मुद्रा बचती है वह व्यक्ति उस मुद्रा को बैंक में जमा करता है, जिसे निक्षेप कहा गया है, डिपॉजिट करता है। अब बैंक जो है उस धनराशि का एक निश्चित जो है मात्रा अपने पास नगद के रूप में रखता है, और ये जो है नगद धनराशि को रखता है, और इसके बाद शेष जो है धनराशि को वो ऋण के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति को देता है, किसी व्यापारी को देता है, उद्योगपति को देता है, कारखानों में जो है धनराशि की आवश्यकता होती है। अगर मान के चलिए कि किसी एक लाख जो है करोड़ बैंक के पास जो धनराशि अगर आ गई तो इसमें से जो है वो 15 हजार करोड़ जो है वो अपने पास सुरक्षित रख लेगा, और शेष जो है 85 हजार करोड़ जो है वो जो है ऋण के रूप में दे देगा। अब यहां पर ये ध्यान में रखना है कि ये जो 85 हजार करोड़ रुपए जो है वो ऋण के रूप में दे रहा है, या जो 15 हजार करोड़ रुपए वो अपने पास रख रहा है, इन दोनों की क्या निहितार्थ है, इसके क्या आशय और अर्थ है। 15 हजार करोड़ रुपए वो बैंक इसलिए अपने पास रखता है कि जैसा कि पूर्व में हमने बताया मांग जमा, एक शब्द वहां पर प्रयोग हुआ था मांग जमा, कि कोई भी व्यक्ति ये मांग बैंक ये मांग करके चलता है कि एक दिन में व्यक्ति जो है सामान्यतया इससे ज्यादा धनराशि निकालने के लिए नहीं आएगा, आहरित करने के लिए बैंक में नहीं आएगा, वो ये मांग करके चलता है, क्योंकि वो एक ट्रेंड को पिछले समय के जो है जनता के या जमा करने वाले खाताधारकों के आहरण करने की प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है, उससे एक ट्रेंड पता चलता है कि लोगों में क्या प्रवृत्ति है और एक दिन में लगभग कितने धनराशि वो आहरित कर सकते हैं, तो इसलिए ये धनराशि जमा के रूप में जो धनराशि आती है उसका नगद भाग जो है रखा जाता है 85 हजार करोड़ रुपए। अब बैंक चूंकि एक और चीजें बताई गई थी कि जमा पर जो है ब्याज देता है, तो वो ब्याज कहां से देगा, ये 85 हजार करोड़ रुपए जो है वो ऋण के रूप में देता है, और इस ऋण पे जो है वो ब्याज प्राप्त करता है, और उस ब्याज से जो है वो जमाकर्ताओं के ब्याज की अदायगी करता है, और इन दोनों में जो जमा जो होती है और जो ऋण होता है बैंक के द्वारा दिया जाता है उन दोनों ब्याज दरों में अंतर होता है। मान लीजिए बैंक जो है 4% ब्याज की दर पर जो है जमा प्राप्त कर रहा है, और वह उसे जो है 9% की जो है दर पर अपना ऋण दे रहा है, तो यहां पर 5% का जो अंतर आ रहा है वही जो है बैंक की इनकम हो जाती है, बैंक इससे अपने कर्मचारियों का और अन्य प्रकार के खर्चों को निकालने का प्रयास करती है। तो यह स्थिति हो गई जो है ऋण व्यवस्था के संदर्भ में। अभी एक और चीज यहां पर देख लेना आवश्यक है कि
के लिए आवश्यक जो है शर्तें, ऋण के लिए जो है आवश्यक शर्तें। ऋण जो है किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ऋण देने के लिए बैंक के पास इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की पर्याप्त जानकारी होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को ऋण दिया जा रहा है वो एक निश्चित समय के बाद मूलधन के साथ साथ वापसी करेगा। तो इसलिए जो है एक कोई ना कोई आधार होना चाहिए जिसे ऋण आधार कहा गया है, और इस ऋण आधार के आधार पर ही उस व्यक्ति को जो है ब्याज पर ऋण दिया जाता है, जिसे मान करके बैंक चलता है कि एक निश्चित समय के बाद वो मूलधन और ऋण जो है ब्याज वापस कर देगा। और इसके साथ साथ जो है कुछ प्रपत्र होते हैं और वापसी के जो है माध्यम होते हैं, वापसी के जो है तरीके, ये सारी चीजें होती हैं ऋण के लिए जो शर्तों के अंतर्गत आती हैं। और इन्हीं आधारों पर जो है ब्याज की दर भी इसमें आप जोड़ सकते हैं, ब्याज दर होता है कि वो निश्चित ब्याज दर पर जो है ऋण दे रहा है, ऋण के लिए कोई गारंटी होना चाहिए, परपत्र कुछ कागजात जो इंडिविजुअल आईडी और एड्रेस के लिए प्रयोग में होता है, वो वापसी करने के तरीके। तो ये चार मेन फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं ये जो है बताती हैं कि ये ऋण के आधार के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, तभी बैंक किसी भी व्यक्ति संस्था और संगठन को एक निश्चित समय पर एक निश्चित ब्याज दर पर विभिन्न प्रकार के आधारों का प्रयोग करते हुए ऋण देता है, और ये मान करके चलता है कि एक निश्चित समय के बाद वह व्यक्ति ऋण की जो है मूलधन और ब्याज को वापस कर देगा। तो ये ऋण की जो शर्तों के अंतर्गत आता है। अब हमने बैंकों में जमा और बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले ऋण को देख लिया, अब हम भारत में जो है साख व्यवस्था को देखने का प्रयास करेंगे। साख का तात्पर्य होता है क्रेडिट। साख किसी भी व्यक्ति को किस तरीके से ऋण या साख जो है प्राप्त होता है, इसके लिए भारत में दो तरीके के जो है लाइन बने हुए हैं, दो तरीके के माध्यम हैं जिनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो है साख प्राप्त हो सकते हैं। अनौपचारिक और औपचारिक। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था संगठित और असंगठित, उससे कुछ मिलता जुलता है ही। जैसे संगठन में जो है काफी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, सरकार का नियंत्रण होता है, तो सेम इसमें भी वही होता है। अनौपचारिक यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। औपचारिक का मतलब होता है कि फॉर्मल व्यवस्थाएं, और अनौपचारिक का मतलब होता है इनफॉर्मल। तो प्राचीन काल से लोगों को विभिन्न कार्यों के लिए जो ऋण की आवश्यकता होती थी उसका ज्यादा भाग जो है उन्हें अनौपचारिक माध्यम से प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत व्यापारी, जमींदार, साहूकारों से वह ऋण प्राप्त करते हैं, लेकिन आधुनिक समय में औपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत सरकार के नियंत्रण में बनाए गए जो वाणिज्यिक बैंकों, ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से लोगों को जो ऋण प्राप्त होता है वह औपचारिक साख का प्रकार होता है, औपचारिक ऋण का प्रकार होता है। इन दोनों में अंतर यह है कि औपचारिक के अंतर्गत जो है जो ऋण दिया जाता है वो बैंकों के माध्यम से जो है दिया जाता है, बैंकों के जो है माध्यम से जो है दिया जाता है। इसके लिए जो है बैंक अपने पास एक निश्चित जो है नकद धनराशि रखता है, निश्चित जो है नकद रखता है। इसमें जो है सभी क्षेत्रों को ऋण दिया जाता है, और विशेष करके उन क्षेत्रों को ऋण दिया जाता है जो विकास के प्रक्रिया में पीछे हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है लाभ नहीं होते हैं लेकिन विकास के लिए जो है देश के विकास के लिए यहाँ पे भी ऋण की आवश्यकता होती है। तो सभी क्षेत्रों में ब्याज की दर यहाँ पे जो है ब्याज दर रीजनेबल होता है, यानी कि ब्याज दर उसे कहा जाए कम होता है। और अगली बात जो है वो लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करता, लाभ के लिए नहीं। तो इतनी चीजें
जो है औपचारिक ऋण की व्यवस्था है कि वो बैंकों के द्वारा दिया जाता है, निश्चित धनराशि नगद के रूप में रखता है, क्योंकि बैंक जो है किसी समय पर दबाव में ना आ सके। सभी क्षेत्रों विशेष करके कृषि के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में देता है। ब्याज दर यहाँ पर जो है कम होता है और ये लाभ के लिए काम नहीं करता है। अब हम अगर इसी को अनौपचारिक ऋण के अंतर्गत देखते हैं तो ये साहूकार, जमींदार और व्यापारियों के द्वारा जो है ऋण दिया जाता है और इसमें कोई निश्चित धनराशि रखने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी साहूकार के पास है वो अपने धनराशि की अंतिम सीमा तक जो है वो ऋण दे सकता है। यहाँ पर सभी क्षेत्रों में ऋण नहीं दिया जाता है। अनौपचारिक जो प्रणाली साख की है वो केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जिनसे धन की वापसी की पूरी संभावना होती है, क्योंकि उन्हें ब्याज सहित अपना मूलधन प्राप्त करना होता है। ब्याज की दर यहाँ सबसे बड़ी विशेषता है कि अनौपचारिक क्षेत्र में बहुत ही उच्च होता है, इसीलिए कहा जाता है कि उसमें अगर कोई भी व्यक्ति फंस जाता है तो दोबारा उससे नहीं निकल पाता है। और यहाँ पे जो है इसका उद्देश्य जो है लाभ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना होता है। तो इस तरीके से जो है औपचारिक और अनौपचारिक जो क्षेत्रों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो अलग अलग प्रकार के स्वरूप में जो है अभिव्यक्त होती हैं। और भारत की जो अभी तक जो समस्या रही है, अगर हम देखें इसको कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में किस तरीके की ऋण व्यवस्था जो है दी जाती थी और बनाई जाती थी, तो यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से जो है इसे समझा जा सकता है कि किस तरीके से औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है सहकारी बैंक और बैंक व्यवसायिक या वाणिज्यिक बैंक आते हैं, इसी तरीके से इसमें साहूकार, जमींदार इत्यादि आते हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग देखा जाए तो आधे व्यवस्था पे जो है वाणिज्यिक क्षेत्र यानी कि जो है औपचारिक क्षेत्र और आधे व्यवस्था में जो है अनौपचारिक क्षेत्रों के द्वारा ऋण दिया जा रहा है। यद्यपि इसकी जो परसेंटेज, इसकी जो व्यवस्था है वो प्राचीन काल में और भी ज़्यादा थी और आधुनिक समय में इसे सरकार के द्वारा कम करने का प्रयास किया जा रहा ताकि लोगों को शोषण से बचाया जा सके। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं वो भारत में औपचारिक, अनौपचारिक और अनौपचारिक दोनों माध्यमों से ऋण देने की जो व्यवस्था बनाती है। एक और चीज है कि अगर हम गरीब और अमीर, शहरी और ग्रामीण, इनके आधार पर इस लोन की व्यवस्था को देखें तो अगर शहरी क्षेत्र में देखें तो जो मलिन बस्ती में हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो लेबर हैं, इनकी लगभग 85% जनसंख्या ऐसी है जिनको जो है अनौपचारिक क्षेत्र से लोन मिलता है। और वहीं पर जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनमें 85% लोगों को इससे लोन मिलता है औपचारिक क्षेत्रों से। इसका परिणाम क्या होता है? क्योंकि जिन्हें औपचारिक माध्यमों से मिलता है वो बड़े लोग हैं और उन्हें यहाँ पर यह भी ज्ञात है कि उन्हें कम जो है ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है, तो वह व्यक्ति पहले से ही जो है समृद्ध है और कम ब्याज दर पर रीजनेबल तरीके से शोषण न होने के कारण से वह व्यक्ति और बड़ा होता चला जाता है, जबकि 85% जो छोटे लोग हैं उन्हें अनौपचारिक स्तर पर अधिक ब्याज दर पर ऋण मिलता है, इसलिए वो ऋण के जाल में फंस जाते हैं और एक बार लिए गए ऋण को अदा करने में अपनी पूरी जीवन को खपा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारे देश में जो साख की व्यवस्था है उसमें कमियां हैं और उस कमी को दूर करने का जो प्रयास अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत स्तर पर जो है ऊंची ब्याज दर पर ऋण देने की व्यवस्था प्रचलन में है और जो कि हमारे बैंकिंग व्यवस्था और साख व्यवस्था की विकृति को जो है अभिव्यक्त करता है। तो ये व्यवस्था जो है भारत में जो है साख के रूप में जो है देखी जाती है। अभी चूंकि हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में या कमजोर वर्गों के लिए देखा कि साख की व्यवस्था नहीं है, तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। सहकारी बैंक, स्वयं सहायता समूह, और एक जो इंटरनेशनल स्तर पर चल रही है ग्रामीण बैंक। ये एक्चुअली ग्रामीण जो बैंक की अवधारणा है वो वैश्विक स्तर पर बांग्लादेश के द्वारा जो है प्रचलन में आई है और प्रोफेसर यूनुस, मोहम्मद यूनुस के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था और वहां की बैंकिंग व्यवस्था ने काफी कुछ सफलता प्राप्त की। तो सहकारी बैंक की जो व्यवस्था है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण को आसान तरीके से जो है देने का एक जो माध्यम उपलब्ध करवाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यों से संबंधित समितियां होती हैं, जैसे कृषि से संबंधित कृषि सहकारी समिति,
बुनकरों के से संबंधित जो बुनकर सहकारी समिति, तो इस तरीके से समितियां बनी होती हैं और उसमें सदस्य होते हैं, लोग अपनी बचत को जो है उसमें थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं, निक्षेप करते रहते हैं, और इन्हें जो है सहकारी बैंकों को बड़े बड़े वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त हो जाता है, और ये इस ऋण को जो है कृषकों में या जिनसे संबंधित होते हैं उनको ऋण देते हैं, और जो ऋणाधार के रूप में भी हम लोगों ने ऋण की शर्तें बात किया, तो जो सदस्य होते हैं अपनी जमा रखते हैं, वो जमा वहां पे उनका एक गारंटी के रूप में काम करता है। तो ये जो है आपस में सहयोग करके ही अपने लिए जो है ऋण प्राप्त करने की एक बेहतर व्यवस्था जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलन में है। स्वयं सहायता समूह जैसा कि नाम ही है कि स्वयं अपने माध्यम से सहायता के लिए एक समूह का निर्माण करना और अपने बचत पूंजी को एकत्रित करना, जिससे कि अपने लिए ही जो उसे प्रयोग में लाया जा सके और अपने लिए स्वरोजगार को पैदा करके अपना, अपने देश का, अपने समाज का विकास किया जा सके। बेसिकली नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982, इसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये 12 जुलाई की डेट यहाँ पे लिखने का ये रीजन है कि सीधे सीधे ये परीक्षा में कई बार डेट ही जो है पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे अंकित कर दिया जा रहा है। ये स्थापना इसकी हुई और ये 1992 ईस्वी में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम को स्टार्ट किया, जिससे लोगों की बचतों को जो है बढ़ावा दिया जा सके, उनके लिए बैंकों से उनको जोड़ा जा सके, बैंकों से लाभ दिलवाया जा सके और उनके लिए जो विकास के अवसर पैदा किया जा सके रोजगार के माध्यम से। तो 1992 ईस्वी में नाबार्ड ने जो है SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG के नाम से जो है बैंक लिंकेज प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसमें से 15 से 20 लोगों का जो एक समूह होता है, जो आसपास के लोगों के द्वारा बनाया गया होता है, अपनी छोटी छोटी बचतों को प्रति व्यक्ति के द्वारा जो है 20 रुपए 25 रुपए 80 रुपए 100 रुपए बचत कर करके जो है ये यहाँ पर एक बड़ी धनराशि जमा कर लेते हैं, और अगर 1.5-2 साल 2.5 साल तक ये नियमित जमा करते हैं तो इन समूहों की साख बन जाती है और बैंक जो है इन्हें ऋण उपलब्ध करवाता है। यहाँ पर ये ध्यान में रहे कि बैंक जो है, बैंक से यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं बल्कि समूह संबंधित होता है, समूह जो सीधे टच में होता है, और यहाँ पर ये देखा जाए समूह टच में होता है और जो ऋण प्रदान करता है वो समूह को जो प्रदान किया जाता है, समूह के माध्यम से जो है लोगों को दिया जाता है और उस ऋण की अदायगी की जिम्मेदारी भी जो कहीं ना कहीं समूह पर होती है। तो इसीलिए समूह के सभी सदस्य एक्टिव होते हैं, सभी लोगों को जो है उसमें जोड़ने का, जमा कराने का और ऋण लिए गए ऋण को वापस कराने के लिए काम करते हैं। तो ये स्वयं सहायता समूह भी एक इम्पॉर्टेंट पहल है। ग्रामीण बैंक यानी कि ये वैश्विक स्तर पर बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के नाम से प्रचलित है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके का पहल जो है प्रोफेसर यूनुस, मोहम्मद यूनुस के द्वारा ये जो है प्रारंभ किया गया था और उन्होंने जो है ये व्यवस्था प्रारंभ की और इसके माध्यम से समाज के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो है ऋण देने का जो है पहल किया। इसके माध्यम से विशेष करके महिलाओं को जो है ऋण देने का प्रयास किया गया और ऋण के माध्यम से स्वरोजगार पैदा किए, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को जो उन्होंने प्रारंभ किया जिससे उनकी आय बढ़ी और वो देश के जो है विकास में अपना योगदान कर पाए। इन्हीं के महत्वपूर्ण रोल के कारण से 2006 ईस्वी में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को जो है शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। एक बहुत बड़ी बात है, कहने का मतलब लोगों की जिंदगी को तब्दील करने के लिए जो व्यवस्था उनको दी गई। तो कुल मिलाकर के संक्षिप्त रूप में NCERT के स्तर को ध्यान में रखते हुए और कक्षा 10 के स्टूडेंट को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए और सिविल सेवा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के अपने प्रारंभिक चरण को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने मुद्रा और साख के विभिन्न पहलुओं को जो है विश्लेषित करने का जो प्रयास किया और आपके अंतर्गत एक अवधारणात्मक समझ पैदा करने का जो प्रयास किया। आप ये मान के चलिए कि अगर आप अपनी जिंदगी में जो है मेहनत और ईमानदारी के पथ पर चलकर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर हैं। हम आपके
लाइफ को बेहतर बनाने के लिए स्वयं मेहनत करते हैं। एक बात और हम बताना चाहेंगे कि हमारे पास सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हमारे साथ में चलने के लिए मेहनत करना होगा, अपने सिलेबस का अध्ययन करना होगा, हम आपके साथ मेहनत करेंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि हम आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने का जो प्रयास करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।